दिव्या, दिव्या की संवेदना, मानववाद। यशपाल मानववादी रचनाकार है। मानववाद आधुनिक काल में विकसित हुई वह विचारधारा है जो ईश्वर और परलोक से संबंधित सभी विश्वासों को खारिज करते हुए मानव एवं तथा मानव जगत को केंद्र में रखती है। मानववाद के कई रूप हैं। कुछ मानववादी जैसे M.N. राय और सार्त्र व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ मानववादी जैसे मार्क्स, नेहरू इत्यादि सामाजिक हित को केंद्र में रखते हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मानते। यशपाल चूंकि मार्क्सवादी विचारक हैं, इसीलिए उन्होंने मानववाद के उस प्रारूप पर बल दिया है जिसमें सामाजिक वंचन, शोषण, दमन और आदि के विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है। मानव की महिमा का चित्रण मानववादी दृष्टिकोण के आधार पर यशपाल ने दिव्या में कई संकेत प्रस्तुत किए हैं। वे प्रकथन में ही पुरुषों की महिमा का दीर्घ चित्रण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज की हर समस्या स्वयं मनुष्यों द्वारा निर्मित है और यदि मनुष्य विद्रोह करने की ताकत रखता है हो तो वह बड़े से बड़े ढांचों को तोड़ सकता है। प्रकथन के कुछ वाक्य इस प्रकार हैं, मनुष्य भोक्ता नहीं करता, संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है, मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है, वह प्राकृतिक व भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है, सामाजिक स्थितियों का वह श्रेष्ठ है, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास, स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। और लौकिक आस्थाओं पर चोट, मानववादी विश्वास के अंतर्गत यशपाल ने अपनी काफी ऊर्जा उन अलौकिक विश्वासों को खंडित करने में लगाई है जो मानववादियों को खटकते हैं। मानववादी जगत की व्याख्या भौतिकवादी नजरिए से करते हैं जिसके अनुसार चेतना की उत्पत्ति जड़ पदार्थों से होती है न कि चेतना से जड़ पदार्थ की। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि ईश्वर व आत्मा जैसी चेतना सत्ताएं खंडित हो जाती हैं और जगत ही अंतिम सत्ता बन जाता है। भारत के 9 दर्शनों में से चार्वाक अथवा लोकायत एकमात्र दर्शन है जो भौतिकवाद को अपनाता है तथा सभी पारलौकिक विश्वासों को खंडित करता है। इस दर्शन के प्रतिनिधि मारिस के माध्यम से यशपाल ने अलौकिक विश्वासों का खंडन किया है। उसके कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं, जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत है और शरीर का अनुभव संपूर्ण जान करता है उसे ब्रह्म मानना और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही करता है उसे सत्य मानना क्या युक्ति युक्त और तर्क संगत है। देवी यह जीवन ही सत्य है, यह संसार ही सत्य है, जो पाना है इसी जीवन में पाओ, पर लोकवाद का खंडन और इसी लोकवाद की स्थापना भाग्य का अर्थ है, मनुष्य की विवशता और कर्म फल का अर्थ है, कष्ट और विवशता के कारण का अज्ञान भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्म फल कुछ नहीं। भाग्यवाद का खंडन मारिस के अतिरिक्त यशपाल ने धर्मअस्त देव शर्मा के परिवार के एक सदस्य प्रबुद्ध शर्मा के माध्यम से भी अलौकिक विश्वासों पर तार्किक प्रश्न खड़े किए हैं। वे विष्णु शर्मा के साथ अपने विवाद में कहते हैं, देवता का विधान केवल विश्वास और अनुमान की वस्तु है, जैसे देवता के अस्तित्व का प्रमाण केवल विश्वास और अनुमान है, अनुमान अनुभव के आधार पर ही हो सकता है, यदि अनुमान अनुभव द्वारा प्रमाणित नहीं हो नहीं तो संदिग्ध है वर्ण व्यवस्था। यशपाल मार्क्सवादी रचनाकार होने के नाते हर उस विषमता का विरोध करते हैं जो समाज में शोषण और वंचन पैदा करती है। यह उपन्यास जिस कालखंड के संदर्भ में लिखा गया है वहां भारतीय समाज की सबसे बड़ी विषमता मूलक समस्या वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को उसके जन्म के संयोग पर निर्भर
बता देती है। अयोग्य व्यक्ति यदि उच्च वर्ण का हो तो भी अवैध रूप से प्रतिष्ठा पाता है, जबकि कोई योग्य व्यक्ति निम्न वर्ग का होने मात्र से अपनी सारी संभावनाएं खो बैठता है। पृथु सेन के माध्यम से यशपाल ने वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली पीड़ा दिखाई है। वह सबसे योग्य और कुशल सैनिक है, किंतु उसे न तो दिव्या की शिविका को उठाने का अधिकार है, न ही वर्णांतराल के कारण दिव्या से प्रेम करने का अधिकार है। वह सोचता है कि जन्म का अपराध यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शास्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। इस पीड़ा का चरम स्तर कहाँ दिखता है, जहाँ पृथु सेन जीवन से पलायन करने की मन स्थिति में आ जाता है। इन पंक्तियों में उसका अलगाव स्पष्ट दिखता है। दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा की और देश में जाकर अपने लिए नए स्थान, नया समाज, नया संसार बसा ले। ऐसे देश में जहाँ वह अपने जन्म के लिए दंडित न हो, जहाँ वह अज्ञात कर्मों के फल से विवश न हो, जहाँ उसे कर्म करने का स्वतंत्र अवसर हो, जहाँ उसका पुरुषार्थ व प्रतिभा अकुलनीय पिता के संतान होने के कारण व्यर्थ में न चले जाए। दास व्यवस्था पर चोट। भारतीय इतिहास के विद्वानों में मतभेद है कि प्राचीन भारत में दास व्यवस्था थी या नहीं। यशपाल की मान्यता है कि यूरोप के देशों की तरह भारत में कुछ अंतरों के साथ दास व्यवस्था दिखती है। इस उपन्यास में उन्होंने कई स्थानों पर दासों की पीड़ा प्रदर्शित की है। एक दासी की स्थिति वे इस प्रकार बताते हैं। शरीर एक दुकुल से ढका रहने के कारण पृथु सेन शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा, दुकुल शरीर पर आ जाने से उसने दासी की ओर देखा। द्वार से फर फर का भीतर आती शीतल वायु ने उसके निरावरण शरीर पर रोम खड़े कर दिए थे। स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावरण था। यशपाल दिखाते हैं कि दास व्यवस्था में मनुष्य का व्यापार ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आज के समय में पशुओं का व्यापार होता है। दासों को सिर्फ वस्तु समझा जाता है, व्यक्ति नहीं। उनका अधिकार न अपने जीवन पर होता है और न ही अपनी संतान पर। इस व्यापार की बारीकियों का चित्रण वे इस प्रकार करते हैं। वे दासियां प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थी। प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतान बेचता था। अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियां संतान वियोग का दुख सहज ही सह जाती। ये दास जीवन की पीड़ाएं कितनी गहरी हो सकती है, इसका चित्रण वहां होता है जहां दिव्या द्वारा दुख खुद दासी बनती है और अपने पुत्र शाकुल को दूध पिलाने में असमर्थ हो जाती है। उदाहरण के लिए, स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर वह अपने पुत्र को स्तने दे। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के पश्चात उसके अपने पुत्र शाकुल के लिए दूध शेष न रहता। अपनी संतान को शुद्धित देख दारा का हृदय रो उठता। वह अपने स्तन के दूध की चोरी करने लगी। दिव्या उपन्यास की नारी चेतना। दिव्या मूलतः नारी समस्या पर ही केंद्रित उपन्यास है। यशपाल ने विभिन्न उपन्यासों में समाज के विभिन्न वंचित वर्गों की समस्या को उठाया है। दिव्या में वे नारी समस्या के प्रति प्रतिबद्ध नजर आते हैं। इसका प्रमाण है कि उपन्यास काल समर्पण वे प्रतीकात्मक भाषा में नारी को ही करते हैं। तुमको निरंतर पराभव और अभिशाप सह कर भी जिसका जीवन द्वीप स्नेह से प्रज्वलित है। यशपाल ने इस उपन्यास में नारी की समस्या और उसके समाधान पक्ष पर बहुआयामी चिंतन किया है। उन्होंने कई ऐसे चरित्रों की सृष्टि की है जो नारी समस्या के संबंध में एक विशेष दृष्टिकोण का निर्वाह करती हैं। इन सभी चरित्रों की क्रिया प्रतिक्रिया से समस्या संश्लिष्ट रूप में उभरती है। एक महत्वपूर्ण चरित्र है प्रस्थेय। प्रस्थेय के माध्यम से यशपाल उस भोगवादी नजरिए को उभारते हैं जो नारी को पुरुष के लिए
सिर्फ भोग की वस्तु मानता है। आज के उपभोक्तावादी दौर में जिस प्रकार नारी का वस्तुकरण हुआ है, वैसे ही दृष्टिकोण प्रेस का है। वह पृथु सेन को समझाते हुए कहता है, पुत्र, स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। यह दृष्टिकोण सिर्फ प्रस्थ के माध्यम से ही नहीं दिखाया गया, बल्कि कुछ अन्य चरित्रों जैसे मत्ताल विक्र के माध्यम से भी प्रस्तुत हुआ है। एक विशेष स्थिति में दिव्या खुद महसूस करती है कि नारी पुरुष के लिए सिर्फ भोग्य मात्र है। उसकी मन स्थिति यशपाल के इन शब्दों में दिखती है, कठोर धीर, रुद्र धीर, कोमल पृथुसेन, अभद्र मारिस और मताल विक्र नारी के लिए सब समान है। जो भोग्य बनाने के लिए उत्पन्न हुई है, उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ, उसे सब भोगेंगे ही, भय किससे नहीं। नारी के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। असल यह दृष्टिकोण सिर्फ बौद्धों का नहीं, बल्कि चार वाकों के अतिरिक्त सभी भारतीय दार्शनिकों का है। ये सभी दार्शनिक नारी को त्याज्य मानते रहे हैं। उपन्यास में बौद्ध धर्म को इसीलिए दिखाया गया है ताकि यशपाल दिखा सके कि जो बौद्ध धर्म वर्ण संबंधी मामलों में अत्यधिक क्रांतिकारी था, नारी के संबंध में वह भी कैसे यथा स्थितिवादी मानसिकता का शिकार है। अंतिम प्रसंग में दिव्या और बिच्छू पृथुसेन का यह संवाद बौद्ध धर्म की इसी विसंगति को उभारता है। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते बिच्छू के धर्म में नारी का क्या स्थान है? बिच्छू ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, देवी, बिच्छू का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, बिच्छू के धर्म में नारी त्याज्य है। एक और स्थान पर भी बौद्ध धर्म नारी के प्रति भेद भाव मूलक दृष्टिकोण रखते हुए दिखाया गया है। जब दिव्या अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए बौद्ध संघ में आश्रम मांगती है, तो इस अस्थवीर का उत्तर है, देवी, धर्म के नियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति के बिना संघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता। उसने निवेदन किया, परंतु देव भगवान तथागत ने तो वेश्या अम्बापाली को भी संघ में शरण दी थी। वेश्या स्वतंत्र नारी है, देवी, अस्थावीर ने आसन से उठते हुए उत्तर दिया। स्पष्ट है कि नारी का स्वतंत्र के प्रति बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण भी बेहद विसंगतिपूर्ण था, जिसे यशपाल ने उभारा है। नारी के संबंध में तीसरा दृष्टिकोण रुद्रधीर के माध्यम से व्यक्त हुआ है, जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुरूप है। वर्णाश्रम व्यवस्था न केवल वर्ण विभेद को प्रसर्य देती है, अपितु लिंग भेद को भी। वह नारी को कुल वधू और कुल माता जैसे शब्दों से बांध लेना चाहती है। नारी की भूमिका सिर्फ वंश बढ़ाने तक ही सीमित हो जाती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत रचना के अंत में आचार्य रुद्रधीर दिव्या को मल्लिका का उत्तराधिकार लेने से माना करते हैं और फिर खुद अपना विवाह प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, देवी, तुम्हारा स्थान नर्तकीय वेश्या के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुल वधू के आसन पर, कुल माता के आसन पर है। किंतु दिव्या पूरी गहराई से समझती है कि ये सभी आसन सिर्फ नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कीमत पर उपलब्ध होते हैं। वह जवाब देती है, आचार्य, कुल वधू का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुषों का प्रसर्य मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आर्य अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। आचार्य, दासी को क्षमा करें, दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रहेगी। इन सभी दृष्टिकोणों के विरुद्ध यशपाल ने नारी स्वतंत्रता को दिव्या के माध्यम से प्रस्तावित किया है। उनका अपना दृष्टिकोण मुख्यतः मारिस के माध्यम से व्यक्त हुआ है। मारिस चार्वाक दर्शन का समर्थक है, इसीलिए उसका दृष्टिकोण किसी भी तरह की आध्यात्मिकता से रहित भौतिकवादी दृष्टिकोण है। वह पारंपरिक मान्यताओं पर चोट करते हुए
कई सूक्ष्म बातें कहता है। हमारी की स्पष्ट मान्यता है कि निर्वाण जैसे काल्पनिक सुख मनुष्य को सिर पर झांसा देते हैं। नारी का उद्देश्य निर्वाण न होकर सृष्टि की प्रक्रिया में अपना दायित्व निभाना है। जो दायित्व उसे स्वयं प्रायकृतिक ने दिया है वह अंशुमाला को समझाते हुए कहता है, भद्र नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदिशक्ति का क्षेत्र व समाज व कुल का केंद्र है। मारिस का मानना है कि नारी को त्याज्य मानना प्रायकृति के नियमों की को उपेक्षा करना है। प्रायकृतिक ने सृष्टि की निरंतरता के विचार से नारी को आकर्षण दिया है ताकि पुरुष उसके प्रति आकर्षित होकर सृष्टि की प्रक्रिया में योगदान दे। वह दिव्या की नृत्य कला की प्रशंसा इन शब्दों में करता है, भद्रे तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। मारिस की यह दृष्टिकोण रत्न प्रभा के आवास पर वहां भी व्यक्त हुआ है जहां वह एक शिला खंड से नारी के शरीर की आंशिक मूर्ति बनाता है। वह मूर्ति नारी शरीर के केवल मध्यवर्ती अंशों को व्यक्त करती है। रत्न प्रभा और मारिस का निम्नलिखित वार्तालाप मारिस की नारी दृष्टि बताता है। रत्न प्रभा के मुस्कान से आग्रह किया, आर्य मेरे मत से यह नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं। मारिस ने उत्तर दिया, देवी का कथन उचित है परंतु नारी का यही अंग उसके नारीत्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है, यही नारी है देवी। जब दिव्या स्वतंत्र होने के लिए वेश्या बनने का निर्णय कर लेती है तो मारिस स्पष्ट बताता है कि वेश्या होना स्वतंत्रता नहीं बल्कि भयानक प्रतंत्रता है। वह कहता है, भद्रे वेश्या की जनपद कल्याणी की स्वतंत्रता की सार्थकता क्या है, अपनी स्वतंत्रता से वह क्या प्राप्त करती है। यदि कुल वधु एक पुरुष की भोग्य है तो जनपद कल्याणी वेश्या संपूर्ण जनपद का समाज की तृप्त का साधन है, उसकी स्वतंत्रता का भोजन करता है, वह स्वयं नहीं वह केवल वंचना पाती है। मारिस अकेला व्यक्ति है जो नारी की परिधानता के मूल कारण की पड़ताल करता है। कई लोग दावा करते हैं कि नारी की पराधीनता नारी व पुरुष के जैविक अंतरों के कारण है, इसीलिए प्रायकृतिक ने ही नारी को परिधान बनाया है। मारिस इस कुर्तक को अच्छी तरह जानता है और दिव्या को समझाता है कि यह प्रायकृतिक नहीं सामाजिक समस्या है। नारी प्रायकृतिक के विधान से नहीं समाज के विधान से भोग्य है। प्रायकृतिक में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्य आश्रय है। पुरुष का प्राश्रय पाने से ही नारी पर अवश्य है परंतु भद्रे नारी के जीवन की साथ सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी पुरुष का आश्रय भी है। मारिस के माध्यम से यशपाल बताते हैं कि नारी और पुरुष का संबंध वस्तुतः कैसा होना चाहिए। वे उग्र नारीवाद के इस मत से सहमत नहीं है कि नारी को पुरुषवादी संरचना से लड़ते लड़ते पुरुष के समान हो जाना चाहिए। शिरो के चरित्र के माध्यम से वे इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। मारिस के रूप में स्वयं यशपाल बताते हैं कि नारी की वास्तविक अभिलाषा क्या है, न तो उसे निर्वाण जैसे मिथ्या सुख चाहिए और न ही उसे कुल वधु जैसे दिखावट सम्मान चाहिए। वह शिरों की तरह अधिकाधिक पुरुषों का भोग भी नहीं चाहती और न ही मताल विक्र जैसी निगाह रखने वाले व्यक्तियों के हाथ भोग्या होना चाहती है। वह एक सहज व्यक्ति के रूप में अस्तित्व चाहती है जिसके अधिकार और दायित्व अपने पुरुष साथी के समकक्ष हो। वह पुरुष को अपना आश्रय मानकर बोझ नहीं बनाना चाहती, न ही उसे साध्य मानकर अपना व्यक्तित्व खोना चाहती है। वह ऐसा समता मूलक व समरसता मूलक संबंध चाहती है जिसमें पुरुष व नारी एक दूसरे को आश्रय देते हुए मिलजुल कर जीवन के संघर्षों में सहभागी हों। यही दृष्टिकोण उपन्यास की अंतिम पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। पथिक बोला, मारिस देवी को राज प्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिस देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन
सुख का आश्वासन नहीं दे सकता, वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। दिव्या का स्वर आद्र हो गया। आश्रय दो आर्य दिव्या पर मार्क्सवाद का प्रभाव यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार हैं, इसीलिए वे घोषित रूप से मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। उनके कई उपन्यासों जैसे दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड आदि में मार्क्सवादी विचारधारा साफ तौर पर दिखाई देती है। जहां तक दिव्या का प्रश्न है, इसमें मार्क्सवाद की स्थूल प्रस्तुति नहीं है। एक कारण यह है कि उपन्यास का कथानक बौद्ध काल से संबंधित है, जिसमें मार्क्सवाद का प्रेक्षण स्थूल रूप में नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मार्क्सवाद के मूल्यों का प्रक्षेपण सूक्ष्म स्तर पर रचना में हुआ है और कई स्तरों पर दिखाई पड़ता है। मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है, इसीलिए वह शरीर से भिन्न किसी आत्मा, प्राकृतिक से भिन्न किसी ईश्वर तथा इहलोक से भिन्न किसी परलोक में विश्वास नहीं करता। भारत के सभी आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की परंपरा में लोकायत या चार्वाक ही एकमात्र दर्शन है जो किसी भी परलौकिक या आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास नहीं रखता। जब लोकायत दर्शन का प्रतिनिधि चरित्र मारिस अपने भौतिकवादी विश्वास व्यक्त करता है, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि मार्क्सवाद के मूल प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है, उसे ब्रह्म मानना, और जिस ब्रह्म और जीवात्म की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही करता है, उसे सत्य मानना क्या युक्ति युक्त और तर्कसंगत है? देवी दूसरे के शब्दों पर अंधविश्वास करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति और तर्क का आश्रय लो। यह जीवन ही सत्य है, यह संसार ही सत्य है, जो पाना है इसे जीवन में पाओ। भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता, और कर्म फल का अर्थ है कष्ट और विवशता के कारण का अज्ञान। भद्र, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्म फल कुछ नहीं। मार्क्सवाद समता मूलक दर्शन है, जो हर प्रकार की विषमता का विरोध करता है। इसकी मान्यता है कि समाज में व्यक्त होने वाली सभी विषमताएं अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था से ही जन्म लेती हैं। इस उपन्यास में दो तीन प्रकार की विषमताएं दिखाई गई हैं, जिनमें सबसे भयावह स्थिति दासों तथा दासियों की है। मार्क्स की मान्यता है कि आदिम साम्यवाद के तुरंत बाद मनुष्य के इतिहास में सबसे ज्यादा अमानवीय अवस्था आई, जिसमें दास प्रथा दिखाई पड़ती है। यह व्यवस्था सर्वाधिक अमानवीय इसलिए थी क्योंकि इसमें शोषित वर्ग अर्थात दास वर्ग के पास अपने शरीर या संतानों का भी अधिकार नहीं था। यशपाल ने रचना के कई प्रसंगों में दास दासियों की स्थिति का मर्म भेदी वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, वे दासियां प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थी। प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतान बेचता था। अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियां संतान वियोग का दुख सहज ही सह जाती। जब दिव्या स्वयं दासी बनती है, तब उसकी स्थिति भी इतनी ही दारुण हो जाती है। स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर वह अपने पुत्र को स्तनेय दे। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के पश्चात उसके अपने पुत्र साकुल के लिए दूध शेष न रहता है। अपनी संतान को क्षुधित देख दारा का हृदय रो उठता, वह अपने स्तन के दूध की चोरी करने लगी। उपन्यास में जो भी विषमताएं दिखाई गई हैं, उनमें से एक वर्णगत या जातीय विषमता भी है। जातीय विषमता किसी व्यक्ति को उसके जन्म के संयोग के आधार पर जीवन भर के लिए कई अधिकारों से वंचित कर देती है और महत्वपूर्ण संसाधनों को विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित कर देती है। पृथु सेन इस उपन्यास का सर्वाधिक योग्य व सक्षम व्यक्ति है, किंतु उसका अवर्ण्य होना उसकी सारी योग्यताओं पर भारी पड़ता है। वह सोचता है जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शास्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति
कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य देव से ले या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। मार्क्सवाद की धारणा है कि राजवर्ग विभेद को संरक्षण प्रदान करने के लिए शोषक वर्ग द्वारा निर्मित उपकरण मात्र है। न्याय की धारणा वस्तुनिष्ठा नहीं होती बल्कि शक्तिशाली वर्ग के दृष्टिकोण से तय होती है। धर्मस्थ देव शर्मा जो कि सागल की न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च स्तंभ हैं, इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहते हैं, इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया हूँ कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। इसी प्रकार उदय भानु नामक एक व्यापारी के माध्यम से भी यशपाल ने राज्य व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले शोषण व दमन का जिक्र किया है। वह कहता है, मेरे लिए सब समान है। जिस प्रकार मद्रगण राजस्व के रूप में मेरे व्यापार का श्रेष्ठांश ले लेता है, उसी प्रकार केंद्र से मेरा शोषण करेगा। मार्क्सवाद विवाह व्यवस्था को भी एक विशिष्ट अर्थ में विषमता मूलक मानता है। एंजल्स का दावा है कि विवाह व्यवस्था में पुरुष का स्त्री पर एकाधिकार होता है ताकि स्त्री पुरुष की संपत्ति उसकी अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए उसका संतान को जन्म दे सके। इस दृष्टि से नारी चाहे उच्च कुल में हो चाहे निम्न कुल में उसकी स्वतंत्रता का दमन होता ही है। इसी पैनी दृष्टि से यशपाल ने उच्च कुल की नारियों के सम्मान की वास्तविकता बताई है। दिव्या कहती है, कुल वधु का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुषों का प्रसर्य मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराकर्मी पुरुष का सम्मान है। मार्क्सवाद की धारणा है कि उच्च वर्ग दमन की चाहे जितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, वास्तव में शक्ति का मूल स्रोत साधारण जन ही होता है। यही साधारण जन जब मिथ्या चेतना से मुक्त होकर अपने वास्तविक हितों को पहचानता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। केंद्रस के आने से पहले सागल की स्थिति ऐसी है कि जन साधारण निराश है और जन साधारण यदि उत्साहित न हो तो युद्ध जीतने की संभावना नहीं बचती। यही बात यशपाल पृथुसेन से कहलवाते हैं। युद्ध का अवसर प्राय बीत चुका है। प्रसादों में स्थित अभिजात समाज के 200-300 परिवार क्या कर पाएंगे। सेनापतियों के निर्देश का एक विशेष महत्व तो है परंतु युद्ध तो जन ही कर सकेगा। मार्क्सवाद एक प्रकार का मानववादी दर्शन है और इस उपन्यास में मानववादी दृष्टिकोण शुरू से अंत तक व्यक्त हुआ है। मार्क्स की एक प्रसिद्ध धारणा है प्रैक्सिस, जिसका तात्पर्य है कि मानुष स्वयं ही अपनी स्थितियों को बदल सकता है। इस रचना के केंद्र में यही दृष्टि है। प्रकथन में यशपाल लिखते हैं, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मानुष विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन मानव उपन्यास का सार तत्व है, जिसे वर्ण व्यवस्था, कुल व्यवस्था और विवाह व्यवस्था के सम्मुख दिव्या विवशता अनुभव करती है, अंततः उसी को बदल भी देती है। इस अर्थ में यशपाल की दिव्या भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा और जैनेन्द्र की मृणाल से भिन्न हो जाती है, क्योंकि वह सामाजिक स्थितियों को निष्क्रियता से स्वीकार नहीं करती बल्कि अपनी नियति को बदल देती है। संपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि दिव्या उपन्यास में यशपाल की रचना दृष्टि मार्क्सवादी मूल्यों से वंचित नहीं है। कि वस्तुतः कोई भी रचनाकार रचना में अपने वैचारिक व्यक्तित्व का प्रक्षेपण करता ही है, अंतर सिर्फ प्रक्षेपण की शैली व मात्रा का होता है। यशपाल के कुछ अन्य उपन्यास जैसे द्वादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड आदि में मार्क्सवादी प्रक्षेपण सीधे तौर पर दिखाता है, जबकि दिव्यांग में मूल्यों के सूक्ष्म स्तर पर यही कारण है कि मार्क्सवाद प्रभावों के बावजूद उपन्यास के आस्वादन की प्रक्रिया सहज बनी रही है। उस पर विचारधारा थोपी हुई प्रतीत नहीं होती। दिव्या में यशपाल का इतिहास बोध ऐतिहासिक
चिन्हों में यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता है कि रचनाकार के इतिहास का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है तथा इतिहास के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है। प्रसाद और चतुर सेन शास्त्री जैसे लेखक इतिहास के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि मोहन राकेश धर्मवीर भारती और जगदीश चंद्र माथुर जैसे लेखक इतिहास का प्रयोग सिर्फ साहित्यिक उपयोगिता की दृष्टि से करते हैं। यशपाल मार्क्सवादी रचनाकार है। मार्क्सवाद का इतिहास संबंधी दृष्टिकोण ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। इस दृष्टिकोण का पूरा प्रयोग दिव्या में नहीं किया गया है क्योंकि बौद्ध कालीन उपन्यास में ऐसा करना संभव व काम्य नहीं था। तब भी दिव्या में यशपाल की इतिहास दृष्टि बुनियादी तौर पर मार्क्सवादी मूल्यों से ही निर्मित हुई है। यशपाल का इतिहास बोध दिव्या के प्रकथन से स्पष्ट व्यक्त हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य है, इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपना परंपरा में आत्मविश्लेषण है। इसका तात्पर्य है कि यशपाल इतिहास के रोमानियत और या आदर्शवाद की नज़र से नहीं देखते। भारतेंदु मैथिली शरण गुप्त और प्रसाद ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के कुछ खास कालखंडों की जो आदर्शवादी व्याख्याएं की हैं वे यशपाल के काम में नहीं हैं। वे तो किसी ऐतिहासिक कालखंड में मनुष्य के वास्तविक जीवन का तार्किक विश्लेषण करना चाहते हैं ताकि वर्तमान जीवन के लिए कुछ संकेत खोज सकें। यशपाल के इतिहास बोध उपयोगितावादी हैं। वस्तुतः कोई भी एक साहित्यकार इतिहास का प्रयोग उपयोगिता मूलक दृष्टिकोण से ही करता है, अंतर उपयोगिता के स्वरूप में होता है। प्रसाद इतिहास का प्रयोग सांस्कृतिक ऊर्जा पैदा करने के लिए करते हैं, जबकि केशव मोहन व धर्मवीर भारती अपने कथ्य को सफलतापूर्वक संप्रेषित करने के लिए इतिहास के प्रसंग लेते हैं। यशपाल का दृष्टिकोण न राष्ट्रवादी है और न ही कला केंद्रित। उनका दृष्टिकोण वर्तमान मानव जीवन के लिए उपयुक्त संकेत खोजने का है। वे लिखते हैं, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। वर्तमान में अपने आप को असमर्थ पाकर हम अपने अतीत में अपनी क्षमता का परिचय पाते हैं। यशपाल का इतिहास बोध काल की जिस अवधारणा को लेकर चला है वह चक्रीय नहीं है। भारतीय दर्शन में काल को चक्राकार माना गया है, जिसका तात्पर्य है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। पश्चिम में भी कई चिंतक जैसे स्पेंगलर तथा टाइनवी का दावा है कि इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। यशपाल इसके विरोधी हैं। वे मार्क्सवाद की इस राय से सहमत हैं कि इतिहास निरंतर आगे बढ़ता है, पुनरावृत्ति नहीं करता। यही राय मार्क्स, हीगेल और बर्गसा की भी है। यशपाल प्रकथन में लिखते हैं, इतिहास घटनाओं के रूप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता, परिवर्तन का सत्य ही इतिहास का तत्व है। दिव्या के इतिहास बोध का केंद्रीय पक्ष मानववादी दृष्टिकोण के प्रभाव से निर्मित है। यशपाल के अनुसार इतिहास मनुष्य पर थोपा नहीं जाता, अपितु तो अपने इतिहास का लेखन स्वयं मनुष्य होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी यह केंद्रीय मान्यता है जो प्रकथन के इस वाक्य में व्यक्त हुई है। मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं है, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। वह प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है। सामाजिक परिस्थितियों का वह स्रष्टा है। आगे हुए पुनः कहते हैं, मनुष्य भोक्ता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की ही कीड़ा है। वे साफ तौर पर बताते हैं कि मनुष्य ईश्वर के किसी विधान से नहीं बधा, किसी भी शोषण या दमन को धर्म, ईश्वर या कर्म सिद्धांत के नाम पर वैधता चाहे प्रदान की गई हो, किंतु वास्तविकता यह है कि समाज की सारी परिस्थितियां मनुष्य ने ही बनाई है। प्रकथन में उनका स्पष्ट वक्तव्य है, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यही इस दृष्टिकोण का सार तत्व है। मनुष्य अपनी नियति का दास नहीं अपितु निरर्थक है। उसका दायित्व बनता है कि जो सामाजिक विधान उसकी नियति पर चोट करते हैं, उसकी मानवीय गरिमा का हनन करते हैं, वह उनमें संशोधन करके और यदि वे संशोधनीय नहीं है तो उनका अतिक्रमण करे। यही दृष्टिकोण दिव्या में व्यक्त हुआ है। उन
दिव्या भागवती चरण वर्मा का चित्र लेखा और जैनेन्द्र के त्याग पत्र की मेडल से अलग है, क्योंकि वह नियति को चुपचाप स्वीकार नहीं करती बल्कि अपने ठोस निर्णय से उसे बदल डालती हैं। पारंपरिक मार्क्सवाद में यशपाल ने एक और संशोधन किया। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी व्यक्ति की चेतना उसकी वर्गीय स्थिति से निर्धारित होती है। मुक्तिबोध ने भी लिखा है कि पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। यशपाल इस दृष्टिकोण से लचीला प्रदर्शित करते हैं और मानवीय चरित्र को उसकी संश्लेषित और बहुसूत्रीय ताम में खोजते हैं। तात धर्मस्थ उच्च वर्ग के चरित्र हैं, किंतु एक दासी छाया की मृत्यु पर इतने अधिक अपराध बोध से भर उठते हैं कि अपने प्राण ही त्याग देते हैं। यह इस बात का संकेत है कि चेतना वर्गीय स्थिति से प्रभावित तो होती है किंतु सिर्फ उसका उत्पादन नहीं होती। कुल मिलाकर यशपाल का यह उपन्यास जिस कारणों से हिंदी साहित्य में अत्यधिक प्रतिष्ठित है उनमें इतिहास दृष्टि का सर्वाधिक महत्व है। एक ऐसे दौर में जबकि इतिहास को लेकर रोमानियत का माहौल पूरे साहित्य में दिखाई देता है, उन्होंने इतिहास के प्रति वस्तुपरक मानववादी तथा विश्लेषणपरक दृष्टिकोण स्थापित किया और इस ज्ञात्मक इतिहास बोध का प्रयोग आधुनिक जीवन की लिंगायत तथा वर्णगत विषमताओं से लड़ने के संकेत देने के लिए किया। निश्चय ही यह इतिहास दृष्टि अत्यंत प्रगतिशील है। इतिहास और कल्पना का समन्वय इतिहास के कथानक पर आधारित साहित्य रचनाओं को लेकर यह प्रश्न अक्सर उठता है कि उनमें इतिहास के तथ्यों और साहित्य कल्पना में क्या संबंध होना चाहिए। वस्तुतः इन रचनाओं का उद्देश्य इतिहास की प्रस्तुतिकरण नहीं बल्कि ऐतिहासिक वातावरण के माध्यम से समकालीन समस्याओं को उभारना होता है। अतः इनमें इतिहास के तथ्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक वातावरण प्रमुख होता है। दिव्या में भी प्रायः यही स्थिति दिखाई देती है। यशपाल जानते थे कि ऐतिहासिक आधार होने के कारण रचना के संबंध में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि इसमें इतिहास की प्रामाणिकता का कितना ध्यान रखा गया है। इसीलिए उन्होंने प्रकथन में स्पष्ट लिखा है, दिव्या इतिहास नहीं है, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयास किया है। चित्र में त्रुटि रह जाना संभव है। उस समय का हमारा इतिहास यथेष्ट प्राय नहीं, जो प्राय है उस पर लेखक का विशेष अधिकार नहीं। प्रकथन में वर्णित इस कथन से स्पष्ट है कि दिव्या में कल्पना प्राथमिक है, वे इतिहास गौण है। लेखक ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण का रंग दिया है, न कि ऐतिहासिक चित्र में कल्पना का रंग। यही कारण है कि इस रचना में ऐतिहासिक तथ्य केवल संकेतात्मक रूप में मिलते हैं, वे उपन्यास के कथानक में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाते। रचना में ऐतिहासिक वातावरण निर्मित करने के लिए यशपाल ने कुल मिलाकर 5-6 ऐतिहासिक संदर्भ लिए हैं, जिनमें 3 ऐतिहासिक चरित्र हैं। वे 3 स्थल हैं। चरित्रों में पुष्यमित्र, बृहदर्थ, पतंजलि व मिलिंद आते हैं तथा स्थलों में सगल, मथुरा व मगध आए हैं। इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व में मगध में सत्ता स्थापित की थी। वह ब्राह्मण समर्थक होने के नाते बौद्ध धर्म के खिलाफ तीव्र आंदोलन चलाया था। उसने वर्ण व्यवस्था के उद्धार के कड़े प्रयास भी किए थे। उपन्यास में पुष्यमित्र का जिक्र इसी रूप में आया है। जब रुद्र धीर को 2 सहस्त्र दिनों के लिए सागल से निकाला गया तो उनके प्रवास के संबंध में बलभद्र कहता है, मगध जाकर ही वे मद्र की मुक्ति का उपाय कर सकेंगे। हमारी आशा केवल मंत्र अभिभिषक्ता मगध सेनापति पुष्यमित्र हैं। स्पष्ट है कि पुष्यमित्र यहाँ केवल प्रतीक रूप में उपस्थित है। यह चरित्र इतिहास की नहीं, ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि करता है। यह वातावरण रुद्रधीर के चरित्र से और गहरा हो जाता है, क्योंकि रुद्रधीर पुष्यमित्र का ही प्रतीक है। वह भी वर्णाश्रम धर्म के लिए प्रतिबद्ध है। उसने भी छल से राज्य हथिया लिया है।
अंतर केवल इतना है कि पुष्यमित्र ने बृहदर्थ को सार्वजनिक रूप में मृत्यु दंड दिया था, जबकि रुद्रधीर पृथुसेन को माफ कर देता है। इसी वातावरण में रुद्रधीर वही प्रभाव पैदा करने लगता है जो ऐतिहासिक चरित्र के रूप में पुष्यमित्र कर सकता था। रचना में दूसरा ऐतिहासिक चरित्र मिलिंद है, जिसने ईसा पूर्व 165 में भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना राज्य कायम किया था। राम शरण शर्मा जैसे मूर्धन्त इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि मिलिंद की राजधानी साकल में थी, जो संभवतः आज का सियालकोट है। कालांतर में मिलिंद ने नागसेन से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर ली थी उपन्यास में यही ऐतिहासिक तथ्य दो तीन स्थानों पर आया है। दूसरे अध्याय में यशपाल लिखते हैं, महापंडित के यवन काल में महाप्रतापी यवन राज मिलिंद ने दुर्धसर यवन सेना लेकर मद्र से पैरव वंश के राज्य का उच्छेदन कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। परम प्रतापी मिलिंद की तथागत के धर्म चक्र में आस्था हो जाने पर महापंडित ने न्याय को सर्वभूत दया और मानवता का भावना से अनुप्राणित होते देखा। उनके ही जीवन काल में महाराज धर्म धार्मिक मिलिंद राजपाट त्याग प्रवज्र ग्रहण कर निर्वाण पथ के पथिक हुए। स्पष्ट है कि राजा मिलिंद भी रचनाओं में साक्षात उपस्थित नहीं है, उनका उल्लेख भी सांकेतिक तौर पर है, जिससे वातावरण ऐतिहासिक बन जाता है। उपन्यास का तीसरा ऐतिहासिक चरित्र महर्षि पतंजलि का है, जिनका जिक्र केवल एक स्थान पर आया है। जब पंडित विष्णु शर्मा रुद्रधीर को सजा काटने के लिए मगध जाने की सलाह देते हैं, वे कहते हैं, मेरी इच्छा है कि रुद्र मगध में द्विज सेनापति और अग्निमुख नीतिज्ञ महर्षि पतंजलि से वर्णाश्रम के उद्वार के लिए दीक्षा ग्रहण करें। इतिहास में पतंजलि की ख्याति प्राप्त वैयाकरण के रूप में है, जबकि यह नीतिज्ञ और वर्णाश्रम धर्म के समर्थक कि है। दरअसल यह बात भी इतिहास सम्मत है। रामशरण शर्मा तथा कुछ अन्य इतिहासकारों ने दावा किया है कि पतंजलि पुष्यमित्र के समय में थे और मगध में ही थे। इस तथ्य के आधार पर यह संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना में वे पुष्यमित्र के वैचारिक सलाहकार रहे होंगे। देखने की बात यह है कि उपन्यास में केवल तीन ऐतिहासिक चरित्र हैं और वे तीनों ही संकेत के रूप में आए हैं, न कि चरित्र बनकर। उनके नामों के उल्लेख से रचनाकार ने ऐतिहासिक वातावरण पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। उपन्यास में प्रमुख रूप से दो नगरों सागल व मथुरा का उल्लेख है। ये दोनों स्थल जिस प्रकार उपन्यास में आए हैं, वैसे ही ऐतिहासिक वर्णनों में उपन्यास होते हैं। सागल का कला की दृष्टि से उन्नत होना, वहाँ वस्त्राभूषण मंदिरा के साथ साथ दासों का व्यापार होना आदि तथा इस नगर के संबंध में इतिहास सम्मत तथ्य है। मथुरा का भी मौर्य काल में कुषाण काल के बीच काफी विकास हो चुका था। इस समय तक वह तीर्थ के रूप में तो प्रसिद्ध नहीं हुआ था, किंतु दास साहित्य अन्य वस्तुओं के व्यापार कला व संस्कृति के कारण प्रसिद्ध था और इन्हीं पक्षों को उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। रचना में ऐतिहासिक वातावरण बनाए रखने के लिए यशपाल ने एक और युक्ति का प्रयोग किया है, जो प्राय ऐतिहासिक कथानक लेकर चलने वाले सभी साहित्यकार करते हैं। यह है ऐतिहासिक संदर्भ के अनुकूल भाषा का प्रयोग। इस उपन्यास में न केवल तत्सम शब्दावली का प्रयोग इस उद्देश्य से है, बल्कि कुछ ऐसे शब्द का जो भी प्रयोग है जो विशेष रूप से इतिहास के उसी कालखंड से संबंधित है। ऐसे शब्दों में निष्क, महाबलाधिकृत, महाश्रेष्ठी, गण सावक था, अस्थानागर जैसे शब्द प्रमुख हैं। अतः हम देखते हैं कि दिव्या उपन्यास में इतिहास का
प्रयोग तथ्यों के स्तर पर बहुत कम है। यहाँ इतिहास केवल वातावरण के स्तर पर है, इसके पीछे यशपाल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उनकी दृष्टि इतिहास के प्रति रोमानीय नहीं है जैसे कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या विक्टर ह्यूगो की है। उनकी दृष्टि में इतिहास विश्लेषण की वस्तु है जिस पर यथार्थवादी ढंग से चिंतन होना चाहिए। प्रकथन में वे लिखते हैं, इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है, दिव्या का शिल्प। शिल्प संबंधी दृष्टिकोण यशपाल घोषित रूप से मार्क्सवादी लेखक है और मार्क्सवादियों की मान्यता है कि रचना में केंद्रीय महत्व वस्तु कंटेंट का होता है, रूप फॉर्म का नहीं। यह बुनियादी दृष्टिकोण अन्य मार्क्सवादी लेखकों की तरह यशपाल की रचनाओं में भी दिखता है, किंतु तब भी यशपाल शिल्प के प्रति पूर्णतः उदासीन नहीं है। उन्होंने कम से कम इतना ध्यान जरूर रखा है कि रचना उस मूल भाव को प्रभावशाली तरीके से संप्रेषित कर सके जिसे वे प्रतिपादित करना चाहते हैं। कथानक योजना दिव्या एक छोटे आकार का प्रभावशाली उपन्यास है जिसकी सफलता मूलतः कथानक रचना पर ही टिकी है। इसकी कथा बेहद जटिल प्रसंगों से गुजरती है, किंतु इस जटिलता के बावजूद कथानक में बिखराव नहीं है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यशपाल ने मूलतः एक ही कथा को रखा और जिन प्रासंगिक कथाओं को लिया भी, जैसे प्रतुल, धर्मस्थ, देव शर्मा, पृथुसेन व रुद्रधीर आदि की कथाएं, उन्हें मूल कथा से स्वतंत्रता नहीं होने दिया। ये सभी कथाएं सिर्फ उतनी ही मात्रा में आई हैं जितनी मुख्य कथा के विकास हेतु जरूरी थी। पूरी रचना में संबंधों का निर्वाह बेहद प्रभावशाली है। यशपाल जानते थे कि चरित्रों की अधिकता से उपन्यास का आस्वादन कमजोर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने आरंभ में ही मधुपर्व नामक अध्याय में भावी कथानक के संकेत दे दिए हैं। सरस्वती पुत्र के रूप में दिव्या का चयन, सर्वश्रेष्ठ वीर के रूप में कुछ विवादों के बाद पृथुसेन का चयन, पृथुसेन का अवणे होना बौद्ध भिक्षु के उद्बोधन पर मारिस का व्यंग्यपूर्ण जवाब तथा रुद्रधीर द्वारा पृथुसेन के अधिकारों के खंडन का प्रयास, ये सभी घटनाएं पूरे कथानक को बीज रूप में धारण करती हैं। आश्चर्य की बात है कि रचना के अंत में मल्लिका का संदर्भ है, वहां भी दिव्या ही केंद्र में है और रुद्रधीर, पृथुसेन व मारिस में द्वंद है। यह संबंध निर्वाह के कौशल का परिणाम है। मराली की नाट्य कथा भी कहीं न कहीं दिव्या की भावी कथा का ही संकेत है। यशपाल ने घटनाओं की भीड़ नहीं लगाई है, हालांकि चरित्र और वर्णन तुलनात्मक रूप से अधिक है। चरित्रों की अधिक संख्या नए पाठक को कभी कभी परेशान करती है, किंतु एक बार लय बनाने पर यह समस्या नहीं रहती। कथानक में गति व विराम उचित है, कहीं कहीं वर्णनों की अधिकता से गति कम होने लगती है, किंतु एकधा प्रसंग मधुपर्व को छोड़ दें तो यह कोई विशेष समस्या नहीं है। कथानक में जटिलता से बचने के लिए यशपाल ने एक और युक्ति का प्रयोग किया है। उन्होंने उपन्यास को कुछ खंडों में बांटकर उनके शीर्ष दे दिए हैं। इससे न सिर्फ विभिन्न घटनाओं का अनुपात ठीक रहा है बल्कि पाठक को भी काफी सहूलियत हो गई है। पात्र योजना दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यासों में चरित्रों के स्तर पर ज्यादा लचीलापन संभव नहीं हो पाता। फिर यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध भी रहे हैं, ऐसे रचनाकारों पर सामान्यतः उद्देश्य हावी हो जाता है और चरित्र उस उद्देश्यों के सामने घुटन महसूस करते हैं। यशपाल इन दोनों समस्याओं से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने इतिहास से सिर्फ वातावरण लिया, तथ्य नहीं। मिलिंद, पुष्यमित्र व पतंजलि तीनों ही ऐतिहासिक चरित्र हैं और ये तीनों केवल सूचित हैं, वर्णित नहीं। विचारधारा के स्थूल प्रक्षेपण से भी यशपाल बचे हैं, उन्होंने इसका उतना ही प्रयोग किया है जितना बौद्धकालीन परिवेश में सहजता पूर्वक हो सकता था। मानना होगा कि यशपाल ने अपने चरित्रों को इस दोहरे खतरे से बचाकर जीवंत बनाया है। इस मुद्दे पर विवाद है कि दिव्या उद्देश्य प्रधान उपन्यास है या वातावरण प्रधान है या चरित्र प्रधान है।
विवाद रूप से तो नहीं माना जा सकता, किंतु समीक्षकों का एक वर्ग इसे चरित्र प्रधान रचना मानता है। इसकी विशेषता यह है कि यह नायिका केंद्रित उपन्यास है। लगभग इसी समय ज्ञानेंद्र सुनीता जैसे नायिका केंद्रित उपन्यास लिख रहे थे और जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामी जैसे नायिका प्रधान नाटक लिख रहे थे। यश पाल ने दिव्या के रूप में नारी समस्याओं को केंद्र में रखते हुए नायिका प्रधान उपन्यास रचा। चरित्रों की संख्या नए पाठकों को कुछ अधिक लग सकती है, किंतु सच यह है कि रचना के प्रभाव से समझौता किए बिना किसी भी चरित्र को हटाना संभव प्रतीत नहीं होता। पात्र का अनुपातिक संभव महत्व भी कथानक के अनुकूल है। मारिस, दिव्या, पृथुसेन, रुद्र, धीर जैसे चरित्र सहभागी पार्टिसिपेंट कैरेक्टर हैं, जबकि कई चरित्र प्रेक्षक ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर्स बनकर ही आए हैं। चरित्रों के महत्व में सही अनुपात के निर्वाह के कारण उनकी संख्या परेशान नहीं करती। ऐतिहासिक व विचारधारा केंद्रीय उपन्यासों में चरित्रों के एक आयामी होने का खतरा होता है, किंतु यशपाल ने कई बिंदुओं पर विचारधारा का अतिक्रमण करते हुए संश्लेषित चरित्र बनाए। उदाहरण के लिए पृथुसेन अकुलीन वर्ग का चरित्र है, जिसने जन्म के अपराध के कारण कई पीड़ाएं झेली हैं। ऐसे चरित्र के प्रति यशपाल की सहानुभूति का होना स्वाभाविक था, किंतु वे उसकी कमजोरी भी आवश्यक दिखाते हैं। जैसे वे दिखाते हैं कि वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न विषमताओं के प्रति आक्रामक होने के बावजूद पृथुसेन दास व्यवस्था का विरोध नहीं करता और स्वयं उसकी सेवा में दास दासियां कठिन स्थितियों में रहते हैं। धर्मस्थ देव शर्मा उच्च वर्ग व उच्च वर्ण के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जिन्हें मार्क्सवादी नजरिए से शोषक वर्ग का सदस्य माना जा सकता है, किंतु यशपाल दिखाते हैं कि वे अपनी एक दासी की मृत्यु से इतने दुखी हो जाते हैं कि प्राणों का त्याग कर देते हैं। यशपाल ने चरित्रों का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभारने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। चरित्र वर्णन की सभी शैलियां उनके उपन्यास में दिखती हैं। कई चरित्र अंतर्मुखी होने के कारण चिंतन मनन के स्तर पर अपनी विशेषता व्यक्त करते हैं, तो कहीं कहीं एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं। सबसे ज्यादा परिस्थितियों वाली विधि का एक प्रयोग हुआ है, अर्थात विविध स्थितियों में चरित्रों की प्रतिक्रिया दिखाकर उनका व्यक्तित्व उभारा गया है। पृथुसेन का युद्ध से लौटने पर दिव्या से जुड़ पाना और सत्ता परिवर्तन के बाद उसका हृदय परिवर्तन इस शैली के उदाहरण है। दिव्या का तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही परिस्थितियों के माध्यम से निर्मित हुआ है। भाषा शैली, दिव्या की भाषा मूलतः तत्समयी प्राकृतिक की है। इसका कारण है कि ऐतिहासिक कथा वस्तु के साथ न्याय करने के लिए ऐसी ही भाषा उपयोगी हो सकती थी। यशपाल ने प्रकथन में कहा है, अतीत के रंग रूप की रक्षा के लिए इस पुस्तक में कुछ असाधारण भाषा व शब्दों का प्रयोग आवश्यक हुआ है। तत्समयी भाषा के कारण कहीं कहीं दुरहता पैदा हुई है, विशेष रूप से उन प्रसंगों में जहाँ यशपाल किसी घटना या दृश्य का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए पहले ही पृष्ठ पर कुछ वाक्य हैं। ब्राह्मण स्वर्ण के तार से गढ़े लाल रेशम के उसड़ीसों से सिर के केशों को बांधे थे, उनके समश्रु मुड़े हुए थे, किंतु भाषा हर स्थान पर कठिन नहीं है। जहाँ कोई भाव प्रधान प्रसंग आता है वहाँ भाषा एकदम सहज हो जाती है। उदाहरण के लिए मल्लिका एक ही श्वास में सब कुछ कह गई। स्नेह के इस अतिरेक से विभोर होकर दिव्या कुछ उत्तर न दे पाई। एक विशेष बात यह भी है कि शब्द चाहे कठिन हो किंतु वाक्य संरचना प्रायः सरल है। छोटे छोटे चुस्त वाक्यों के कारण भाषा की कठिनाई काफी कम महसूस होती है। उदाहरण के लिए पृथुसेन ने कुछ भटक का सा आश्रय की खोज में खिन्न सा जान पड़ता था। दिव्या स्वयं भी कभी उसी प्रकार अनुभव करती थी जब भरे पूरे प्रसाद में भी सूनापन लगता
था। यशपाल ने कई स्थानों पर सूत्रपात का प्रयोग किया है। सूत्र भाषा के कारण कई स्थानों पर बहुत छोटे वाक्यों में आधुनिक चमत्कार शक्ति पैदा हो गई है। उदाहरण के लिए अनुराग आदर की का क्रियात्मक रूप है। पराजित होने वाले कभी पूज्य नहीं होते। जगती हुई चींटी की शक्ति सोते हुए हाथी से अधिक होती है। शिवी कारुण शिवी का वाहकों की ओर कब देख पाते हैं। यशपाल ने संकेतों व मौन की भाषा का सालघ्य प्रयोग किया है। आमतौर पर संकेतों और मौन की भाषा का प्रयोग नाटक में होता है और इसे नाट्य भाषा कहते हैं, किंतु यशपाल ने कई प्रसंगों में पूरी पूरी बात ही संकेतों में कह दी है। ऐसे स्थानों पर बिंब क्षमता भी अद्भुत रूप से प्रभावशाली हो गई है। उदाहरण के लिए उसके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती, उसे अंक में लेकर संतावना देने के प्रयत्न में पृथु सेन स्वयं हिवल होकर दिव्या में आश्रय ढूंढने लगती है। दिव्या उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वर्जनों को बाध्य हो जाती है। पृथु निढाल व निराश हो जाता है। भिक्षु का स्वर सुनकर ग्रीवा उठा। विस्मय से नेत्रों फैलाकर आचार्य ने बोलते हुए भिक्षु की ओर देखा। उनके नेत्र और ओष्ठ खुले रह गए। उपमाओं और प्रतीकों की भाषा का प्रयोग मुख्यतः कविता में होता है, किंतु सामर्थ्य गद्यकार इनमें निहित शक्ति को गद्य में भी शामिल कर लेता है। उपन्यास की गंभीरता से समझौता किए बिना यशपाल ने उपमानों की भाषा का बेहद सुंदर प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए मानुषे समाज समय की नदी के तट पर स्थित वन के समान है। समय की नदी में आने वाले प्लावन इस वन की भूमि को उर्वर करते रहते हैं। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा काल की बाढ़ से दूर तक फैल गई गए। नदी के जल में कोई छोटा सा दीप हो, तत्समय भाषा के बीचों बीच मुहावरों व लोकयुक्तियों का प्रयोग कुछ कठिन होता है, क्योंकि हर लेखक बीच जातीय शब्दावली का समन्वय नहीं कर सकता। यशपाल ने कुछ मात्रा में मुहावरों और लोकयुक्तियों का प्रभावशाली प्रयोग किया है। पुरुष उसके चारों ओर घूमता है जैसे कोल्हू का बैल कुत्ता कुत्ते को काटता है और मालिक के अन्न की रक्षा करता है। इतिहास के रूप रंग की रक्षा के लिए यशपाल ने तत्कालिक राज्य व्यवस्था और प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है ताकि वातावरण की प्रामाणिकता बनी रहे। ऐसे शब्दों में प्रमुख हैं महाबलाधिकृत निष्कय महासृष्टि अस्थानागर इत्यादि। उपन्यास और पाठक का संबंध उपन्यासकार की भूमिका। दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यासों में लेखक कभी कभी उत्तम पुरुष शैली में स्मृति के ढांचे पर रचना करता है तो कभी कभी कथा वाचक बनकर अन्य पुरुष शैली में कथा कहता है। दिव्या की रचना यशपाल ने कथा वाचक की शैली में की है। जब रचनाकार कथा वाचक बनता है तो उपन्यास का नियतांत हो जाता है और अपनी इच्छा से कथानक को जैसे चाहे प्रस्तुत कर सकता है। यह संभावना दिव्या में और अधिक थी क्योंकि विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता लेखक अक्सर यह मोह छोड़ नहीं पाता, किंतु यशपाल ने अद्भुत संयम बरता है। इस संयम का ही परिणाम है कि रचना में लेखकीय हस्तक्षेप काफी कम है। मारिश की बातें सुनकर कहीं कहीं जरूर महसूस होता है कि साक्षात यशपाल उपस्थित है, किंतु यशपाल ने सामान्यतः चरित्रों को ही बोलने का मौका दिया है, खुद बोलने से बचे हैं। उपन्यास में कहीं भी न ही लंबा वक्तव्य है, न ही बहस अंतिम घटनाक्रम में। जब दिव्या को रजन तकी नहीं बनने दिया गया तब वह उत्तेजित होकर एक भाषण तो दे ही सकती थी जिससे यशपाल खुलकर अपना विचार बता पाते, किंतु वे इस लालच से भी बचे हैं। दृश्यात्मक व परिदृश्यात्मक
दोनों विधाओं का संश्लेषित प्रयोग इस रचना में हुआ है। यहाँ विचार प्रमुख हुए हैं, वहां परिदृश्यात्मक शैली आ गई है, और जहाँ घटनाएं तथा विवरण प्रमुख है वहां दृश्यात्मक शैली प्रमुख है। दिव्या का चरित्र, दिव्या एक ऐतिहासिक उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यास प्रायः चरित्रों को स्वतंत्र विकास का अवसर प्रदान नहीं करता, किंतु यशपाल के यहाँ कथा वस्तु ऐतिहासिक होने के बावजूद चरित्रों की प्रधानता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। चरित्रों को महत्व देने के लिए यशपाल ने इतिहास से सिर्फ वातावरण लिया है तथा तथ्य नहीं लिए। यदि इतिहास के प्रसिद्ध चरित्र लिए जाए तो चरित्र को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका न मिलता। प्रकथन का पहला ही वाक्य है, दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ही ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। दिव्या न केवल चरित्र प्रधान उपन्यास है बल्कि नायिका प्रधान भी है। नायक की परंपरागत पुरुष केंद्रित धारणा यहाँ टूट रही है। जिस प्रकार प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा को अत्यधिक महत्व दिया और ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी को नायकत्व प्रदान किया, जिस प्रकार जैनेन्द्र ने सुनीता में सुनीता के चरित्र को केंद्रीय महत्व दिया, उसी प्रकार यशपाल ने दिव्या में नारी चरित्र को केंद्र में रखा। पुरुष पात्र नायकत्व की दृष्टि से विभाजित है। पृथुसेन रुद्र धीर और मारिस में नायकत्व अलग अलग मात्रा में विभाजित है, जबकि दिव्या का महत्व इन सभी से अधिक है। उपन्यास में किसी चरित्र के बेहतर होने का आधार यह है कि वह स्वतंत्र चरित्र हो, उसके निर्माण निर्णय रचनाकार द्वारा थोपे हुए नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार लिए गए हों। वह केवल अच्छा या बुरा न हो अपितु सहज मानव हो, वह समय व स्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील व गतिशील हो, आंतरिक तथा बाह्य संघर्षों से जूझता हो तथा अपनी नियति को स्वयं तय करने के लिए प्रयत्नशील हो। दिव्या स्थिर नहीं गतिशील चरित्र है। आरंभ की दिव्या और अंत की दिव्या व्यक्तित्व की दृष्टि से भिन्न है। आरंभिक दिव्या उच्च कुल उच्च वर्ण की एक सुंदर कोमल भावुक तरुणी है, जिसके लिए जीवन का सार तत्व नित्य संगीत व भावनाएं हैं, जिसे जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का जरा सा भी अनुमान नहीं है। मधु पर्व में मराली का आत्मसमर्पण नृत्य एक अर्थ में दिव्या के ही जीवन का कथानक है। मराली राजसिंह के रूप में बधिक के जाल में फंस जाती है, मुक्ति के लिए प्रबल संघर्ष करती है और अंततः राजहंस आकर उसी के जाल में फंसकर उससे प्रेम करता है। दिव्या के वास्तविक जीवन में भी यही होता है, किंतु उसका राजहंस उसे बचाने नहीं आता बल्कि जाल में फंसा हुआ छोड़ देता है। इसी विडंबना के कारण उसके व्यक्तित्वरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यह कोमल भावुक दिव्या अब जीवन की कठोर वास्तविकताओं से परिचित होती है और दासी के रूप में जीवन जीने लगती है। अपने पुत्र शाकुल के लिए वह बौद्ध संघ से भी निवेदन करती है और वेश्या बनने को भी तैयार है, किंतु अपने पुत्र को वह बचा नहीं पाती। पुत्र शोक की निराशा में वह जीवन के प्रति मोह खो बैठती है। अंशुमाला के रूप में वह मथुरा की अत्यंत प्रसिद्ध नर्तकी बनती है। मारिस निरंतर प्रयास करता है कि उसमें जीवन इच्छा पैदा कर सके, किंतु वह जीवन की निराशा को हटाना ही नहीं चाहती। अंततः मल्लिका की विरासत संभालने के लिए वह सागल लौटती है और यही एक नाटकीय घटनाक्रम में उसका वह व्यक्तित्व उभरता है जो प्रतंत्र नहीं स्वतंत्र है। इस बिंदु पर दिव्या का जो नया व्यक्तित्व उभरा है वह उस नारी का है जिसने वास्तविक जीवन की समस्याओं जैसे नारी पुरुष भी भेद तथा नारी के वास्तुकरण को सिर्फ समझा नहीं बल्कि अपने ऊपर झेला है। उसके समक्ष उच्च वर्ग तथा उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व रुद्रधीर वैवाहिक संबंध की याचना के साथ खड़ा है, किंतु दिव्या की सूक्ष्म जीवन दृष्टि देख पाती है कि यह सारा धन और सम्मान तो नारी के स्वत
की कीमत मात्र है। उसका पहला प्रेमी पृथुसेन भी वहां उपस्थित है और उसे आसक्त मार्ग से हटाकर निर्वाण मार्ग की ओर उन्मुख करना चाहता है, किंतु दिव्या जानती है कि आध्यात्मिक जीवन से पलायन है। उसका स्पष्ट चिंतन कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। यह दिव्या उस नारी का प्रतीक है जो धन सत्ता और अध्यात्म की निरर्थकता तथा अपने सत्व की कीमत को पहचान चुकी है। धन और सत्ता सिर्फ धूल के कण है। यदि वे सत्व की कीमत पर जुटाए जाएं, दिव्या का अंतिम चयन उसके सत्व के अनुकूल है। वह मारिस को चुनौती है जिसके पास न राजा प्रसाद के सुख है न निर्वाण के सुख का मिथ्या आश्वासन, किंतु सहज जीवन के सुख दुख को सहजता पूर्वक जीने का विश्वास है। वह आश्रय देना नहीं चाहता, आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। वह सिर्फ दिव्या का नारीत्व लेना नहीं चाहता बल्कि अपना पुरुषत्व सौंपना भी चाहता है। यह निर्णय करते ही दिव्या भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा व ज्ञानेन्द्र की मेडाल से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वह अपनी नियति स्वयं निर्धारित करती है। उपन्यास के प्रकथन का यह वाक्य मानो दिव्या के चरित्र की व्याख्या करता है। मानुष्य भोक्ता नहीं करता है, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मानुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। व्याख्या अभ्यास एक दिव्या भद्र जीवन का कोई अनुभव अस्थाई और चिरंतन नहीं। जीवन की स्थिति समय में है और समय प्रवाह है। प्रवाह में साधु असाधु प्रिय अप्रिय सभी कुछ आता है। प्रवाह का यह क्रम ही सृष्टि और प्रकृति का नित्यता है। जीवन के प्रवाह में एक समय असाधु अप्रिय अनुभव आया, इसीलिए उस प्रवाह से विरक्त होकर जीवन की तृष्णा को तृप्त न करना केवल हठ है। संदर्भ प्रस्तुत गदावरण हिंदी की प्रगतिवादी उपन्यासकार परंपरा के शिखर पुरुष यशपाल द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास दिव्या से लिया गया। 1945 ईस्वी में रचित इस उपन्यास का केंद्रीय विषय नारी तथा अन्य वंचित वर्गों की समस्या का विश्लेषण है, जो तत्कालिक स्वतंत्रता आंदोलन को सामाजिक स्वाधीनता की नई राह दिखाता है। प्रसंग दी गई पंक्तियां उपन्यास के अंशुमाल नामक एक खंड से उद्धृत है। जब दिव्या मथुरा में रत्न प्रभा के साथ रहकर अंशुमाला के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, तब मारिस उसे जीवन की सहजता पूर्वक स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। इन पंक्तियों में मारिस का दिव्या या अंशुमाल के प्रति ऐसा ही संवाद है। व्याख्या मारिस दिव्या की निराश मन स्थिति को दूर करने का प्रयास करते हुए कहता है कि हे देवी, जीवन में कोई भी घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती कि वह शेष सारे जीवन को निर्धारित कर सके। जीवन अनेक नई स्थितियों का निरंतरता है और यह निरंतरता मृत्यु आने तक हमेशा नई स्थितियों के रूप में व्यक्त होती है। इस प्रक्रिया में कुछ अच्छे अनुभव होते हैं तो कुछ कठोर अनुभव भी होते हैं। यदि तुम्हें एक बार अत्यंत कठोर अनुभव से गुजरना पड़ा तो इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन की सुंदर संभावनाएं खत्म हो गई। जिस प्रकार तुम्हें कठोर अनुभव हुआ है वैसे ही भविष्य में अच्छे अनुभव हो सकते हैं। इसीलिए कठोर अनुभव को अस्थायी मानकर जीवन के प्रवाह से तटस्थ हो जाना, जीते जी निर्जीव वस्तु की तरह व्यवहार करना सिर्फ तुम्हारी जिद है जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। विशेष इन पंक्तियों का मूल भाव यह है कि परिवर्तन ही सत्य है। परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ भी स्थायी नहीं है। यह बात दर्शन और साहित्य के अधिकांश विचारक कहते रहे हैं। भारत में बौद्ध दर्शन में क्षण भंगवाद कहकर यही विचार दिया गया है, तो पश्चिम में हेराक्लाइटस, विलियम जेम्स, बर्गसा तथा मार्क्स आदि विचारकों ने परिवर्तन को ही सत्य माना है। जयशंकर प्रसाद ने भी स्कंदगुप्त में लिखा है परिवर्तन ही सृष्टि है। इसी प्रकार उन्होंने कामायनी में लिखा है नित्य परिवर्तन का अधिकार उम्रता कारण जलधि समान। ये पंक्तियां बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन सिर्फ सुख या सिर्फ दुख से नहीं भरा होता। मारिस चार्वाक दर्शन का प्रतिनिधि है। वह इन पंक्तियों के माध्यम से बौद्ध के इस निराशावादी
विचार को खारिज करना चाहता है कि जीवन की हर घटना दुखमय होती है। सर्व दुखम दुख इन पंक्तियों के माध्यम से पलायनवादी मानसिकता पर चोट की गई है और जीवन के संघर्षों को स्वीकार करने की प्रेरणा दी गई है। इस अर्थ में ये पंक्तियां उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक हैं जो किसी दुख के कारण जीवन में रुचि लेना बंद कर लेते हैं। भाषा तत्समयी होते हुए भी प्रवाह की दृष्टि से जानदार है। दर असल सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति के लिए तत्सम भाषा ज्यादा अनुकूल सिद्ध होती है। पूरा प्रसंग संवाद शैली के माध्यम से व्यक्त हुआ है। संवाद में होने के कारण विचारों की दुराहता पाठक को परेशान नहीं करती। मारिश के माध्यम से सूत्र भाषा का प्रयोग करते हुए लेखक ने स्वयं अपने जीवन दर्शन का निचोड़ प्रस्तुत किया है। जैसे जीवन की स्थिति समय में है और समय प्रवाह में जीवन के समय को प्रवाह के रूप में व्यक्त करना कर उपमान शैली का प्रयोग किया है जिसके कारण अमूर्त विचार मूर्त हो उठा है। दरअसल इन पंक्तियों में एस पाल के मानववादी दर्शन का सार तत्व छुपा है जो दिव्या का वैचारिक आधार है। मानुष्य भोक्ता नहीं करता है। प्रकथन में एस पाल द्वारा की गई यही घोषणा यहाँ व्यवहारिक रूप से व्यक्त हुई है और इसी का परिणाम है कि दिव्या अंततः अपनी नियति बदलने में सफल हुई है। व्याख्या दो दिव्या कला केवल उपकरण मात्र है। कला जीवन के लिए और उसकी पूर्ति में ही है। जीवन में विरक्ति और जीवन के उपकरण से अनुराग का क्या अर्थ है। किसी का जीवन अन्य की तृप्ति और जीवन की पूर्ति का साधन मात्र होकर रह जाए यह वह जीवन सृष्टि में अपनी सार्थकता से सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता से वंचित रह जाए। जैसे सेवा के साधन दास का जीवन भयंकर प्रवंचना। संदर्भ प्रस्तुत गदा अवतरण हिंदी के प्रगतिवादी उपन्यास के शिखर लेखक यशपाल द्वारा 1945 ईस्वी में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास दिव्या से उद्धृत है। इस उपन्यास में यशपाल ने इतिहास के आवरण के भीतर मानववादी दृष्टिकोण के आधार पर नारी तथा अन्य वंचित वर्गों की पीड़ाओं को आवाज दी है। प्रसंग ये पंक्तियां उपन्यास के अंशुमाला नामक खंड से ली गई है जहां दिव्या रत्न प्रभा के साथ रहते हुए अंशुमाला नाम से विख्यात हो चुकी है। ये पंक्तियां चारवक दर्शन के सामर्थक मारिस ने दिव्या को समझाने के लिए कही है ताकि वह निराशा तथा आत्म प्रवंचना की दुनिया से बाहर निकलकर जीवन को सक्रिय रूप में जीने की कोशिश करे। व्याख्या जब दिव्या मारिस से कहती है कि उसका जीवन कला के लिए समर्पित है तो मारिस इस तर्क की कमजोरी स्पष्ट करते हुए कहता है कि कला तो स्वयं मनुष्य के जीवन के लिए एक साधना संपन्न है। कोई मनुष्य किसी साधन का साधन कैसे बन सकता है। भाव यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक मान चुका हो और सिर्फ कला के अभ्यास में लगा हो वह तो मानव के उच्च स्थान से उतर कर वस्तु से पंडित हो जाता है क्योंकि वस्तु की तरह उसका अस्तित्व भी दूसरों के संतोष व जीवन की सार्थकता के लिए प्रयुक्त होता है। मारिस कहता है कि नारी होने के नाते दिव्या के जीवन की मूलभूत सार्थकता जीवन को जीने में सृजन करने में क्योंकि मानुष्य की परंपरा का विकास करने की जिम्मेदारी प्राकृतिक ने नारी को दी है। दिव्या का अभी का जीवन तो दासों के समान है जिसका संपूर्ण अस्तित्व दूसरों की सेवा में खत्म हो जाता है। ऐसे जीवन को अच्छा कहना उसे बदलने की कोशिश न करना भयानक आत्म प्रवंचना है। विशेष इन पंक्तियों में मानववादी जीवन दृष्टि का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार मानुष्य साधन नहीं साध्य है। पश्चिम के कई दार्शनिक जैसे कांट और सार्थ ने इस बात पर अधिक बल दिया है। स्वयं यशपाल ने दिव्या के प्रकथन में कहा है मानुष्य भोक्ता नहीं करता है। कला के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार कला के लिए नहीं जीवन के लिए होती है। यह दृष्टिकोण प्रगतिवादी का है जिसे यहाँ मारिस के माध्यम से व्यक्त किया गया है। समाज के कई वंचित वर्गों की समस्या को इन पंक्तियों में उभारा गया है जैसे नारी वर्ग दास वर्ग तथा वेश्या वर्ग। इन सभी के संबंध में मूलतः इस प्रश्न पर विचार हुआ है कि यदि मानुष
कुछ मनुष्य अन्य मनुष्यों के जीवन के लिए साधन बनकर रह जाते हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था को उचित माना जा सकता है? भाषा तत्समी है किंतु इसमें तत्समीपन का आतंक नहीं है। यूं भी जटिल विचारों की अभिव्यक्ति के लिए तत्समी शब्दावली का ज्यादा प्रभावशाली मानी ही जाती है। पूरे प्रसंग में संवादों के माध्यम से विचारों की प्रस्तुति हुई है। संवाद न सिर्फ छोटे और चुस्त हैं बल्कि प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी करने के कारण वैचारिक प्रवाह बनने में भी सक्षम सिद्ध हुए हैं। सूत्र शैली का प्रयोग भी किया गया है। कला केवल उपकरण मात्र है। विराम चिन्हों के प्रयोग की कुशलता दृष्टव्य है कि इसके कारण पाठक इन पंक्तियों को पढ़ने के लिए अपेक्षित गति और विराम को भी समझ पाता है, जिससे पंक्तियों का प्रभाव क्षमता में खास इजाफा हुआ है।